चाहे ओम नमः शिवाय हो या फिर बम बम भोले या फिर हर हर महादेव, शंकर के हर मंदिर में इन तीन इन मंत्रों का जाप होता है। और अब तो अब जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है शंकर के, और हम अब आ जाए हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग में, और वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। सो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त नचिकेत, एंड वेलकम टू माय चैनल द टेस्टी हम सफ़र। ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ पे मतलब इंदौर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है और खंडवा से 70 किलोमीटर। यहाँ पे आपको इंदौर, खंडवा, देवास ये सब जगह से यहाँ पे आने के लिए बस, टैक्सी मिल जाएगी। हम भी आज बस में ही आए हैं, और बस का फेयर था अराउंड 100 रुपीज़। और यहाँ जो मंदिर है, यहाँ पे तीन पूजा होती है। सुबह की जो पूजा रहती है वो मंदिर ट्रस्ट कराती है, दोपहर की पूजा सिंधिया घराना कराता है, और शाम की पूजा होलकर घराने के स्वाधीन की गई है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के टाइमिंग्स की। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शंकर जी यहाँ पे शयन के लिए, मतलब स्लीप के लिए आते हैं। तो यहाँ पे शाम को शयन आरती करके एक इवेंट रहता है, और वो काफ़ी मतलब अपने मिस नहीं करना चाहिए वो इवेंट। ये मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला होता है, और महाशिवरात्रि को तो रहता ही है सब, जैसे कि हर मंदिर में रहता है शिव जी के। और बाकी ये जो आइलैंड है, मतलब जो द्वीप है जहाँ पे मंदिर बसा है, वो ओम के आकार का बना हुआ है। और ये मंदिर जो है वो सी लेवल से ऑलमोस्ट 550 मीटर हाइट पर है। और यहाँ पे जो आइलैंड है उसका नाम शिवपुरी ऐसा रखा गया है। और Yeah.
हमने अभी ओंकारेश्वर का दर्शन कर लिया है, अंदर का नहीं दिखा पाया मैं क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, फिर भी काफ़ी दिखाया मैंने अंदर, उन्होंने नहीं बोला। और अब हम आए हैं यहाँ पे नर्मदा नदी, ये देखिए नर्मदा नदी है, पानी छोड़ा है अभी रिसेंटली तो काफ़ी भरी है, इसलिए बोटिंग भी अलाउड नहीं है पानी छोड़ने की वजह से। सो दिस वॉज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगा कि आपका दर्शन हुआ है मेरे साथ तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को द टेस्टी हम सफ़र। थैंक यू वेरी मच।